अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बयान, बोले 4 वर्षों से राम मंदिर क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों से इसका जवाब मांगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर उन्हें हो हल्ला नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए तो सिर्फ राम मंदिर। 4.5 वर्षों से राम मंदिर क्यों नहीं बनाया, उनका आज 6 दिसंबर से में सत्ता में बैठे हैं उनको उत्तर देना चाहिए। और इसके पहले भी अनेक 6 दिसंबर आई, इस बार चुनाव आया है इसलिए होल्ला कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर होल्ला नहीं, मंदिर बनाओ। कोई राफेल में लगा है, कोई मिसाइल में लगा है। हमें तो राफेल वाला भी नहीं चाहिए, ने मिसाइल वाला भी नहीं चाहिए, हमें तो राम का मंदिर बनाने वाला चाहिए। सर बुलंदशहर में जो इंटरव्यू पर ये हो गया, आज तो 6 दिसंबर की ही बात करेंगे। तो मंदिर, राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा, इतना प्रयास किया जा रहा है, कह रहे थे कि आने से राम मंदिर बना, उनको बनाना ही नहीं है, इसलिए 4.5 वर्षों में मंदिर नहीं बनाया। अब सत्ता छोड़ दो, मोदी जी आप सत्ता नहीं छोड़ोगे तो 2019 में जनता छुड़वा देगी। मंदिर नहीं तो अब हिंदुओं का वोट नहीं, नो राम टेम्पल नो वोट। मोदी जी 4.5 वर्षों में राम मंदिर नहीं बनाया, अब सत्ता छोड़ दो। वही दौरान उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और बोला कि कोई राफेल में लगा है तो कोई मिशेल में। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ना तो राफेल वाला चाहिए और ना ही मिशेल वाला, बल्कि उन्हें तो केवल राम मंदिर बनाने वाला चाहिए। आपको बता दें, इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि 4 सालों में मंदिर क्यों नहीं बनवाया गया।